आई ने हमेशा मुझे खाना बनाने से, घर का काम करने से दूर रखा, लेकिन आज मैं खाना बनाऊंगी आई। कितनी बार बाबा ने भी मेरे लिए खाना बनाया, लेकिन आज मैं आप दोनों को सरप्राइज दूंगी। साहिल कपूर? अरे ये तो आई का फोन बज रहा है। हेलो, हाँ कमला भाई। कमला भाई, पाखी ने अपना अपना रूम में बंद कर लिया है। वो सारा सामान तोड़ रही है। कमला भाई प्लीज प्लीज अब आके उसको समझाइए। कमला भाई, कमला भाई, मैं मानता हूँ कि हमारा आपसे ये सब कहने का हक नहीं बनता है, लेकिन प्लीज कमला भाई, सिर्फ आप ही है जो उसको समझा सकती है। कमला भाई प्लीज प्लीज अभी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है कहीं वो अपने को चोट ना पहुंचा ले। कमला भाई प्लीज। मैं कल्पना बोल रही हूँ, आई बाहर गई है और फोन घर पर ही भूल गई। बाकी को हो क्या क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है? बाकी बेटे प्लीज बच्चा लिसन टू मी। बाकी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को ऐसे मिक्स नहीं करते। बाकी प्लीज ओपन द डोर। पापा चली जाइए। आज आपने जो मेरे साथ किया ना, बहुत गलत किया। बाकी प्लीज दरवाजा खोलो। ओके बाकी बेटे दरवाजा खोलो। ओके ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलो। उसकी बात मान ले बच्चा, प्लीज। नहीं तो जस्ट गो अवे, यू नो व्हाट, जस्ट गो अवे। ये सब आपकी वजह से हुआ है, ट्राई डू समथिंग। अब क्या कर दिया तुमने, हटो। मेरी फूल सी बच्ची का बस दिल दुखाना आता है तुम सबको। बाकी प्लीज दरवाजा खोल दो बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सब भूल जाओ। बाकी साहिल, किसी इंसान के लिए उसका आत्मविश्वास ही सब कुछ होता है, पर तुम लोगों के लिए ये पैसा झूठा अहम ही सब कुछ है। अरे इस हद तक कि तुम अपनी बेटी का सब कुछ छीन सकते हो। अरे मम्मी जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप कर साहिल, मुझे शर्म आती है तुझ पर। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, कुछ करो कुछ करो। सुन साहिल, अगर पाखी को कोई समझा सकता है, या कह लो कि पाखी किसी को समझ सकती है, तो वो है कमला माँ। बुलाओ कमला माँ को। मम्मी जी, मैंने कमला को फोन किया है। और किसी की सुनी कब है पुखी ने? नीतू, प्यार में हिसाब किताब नहीं होता। काश तेरी समझ में ये बात आ जाती ना, तो ये बकवास ना कर रही होती तू। कमला भाई होगी प्रेम, आपको कैसे पता कमला होगी? पाखी कहां पर है? तुमसे मतलब, डैड ने कमला भाई को फोन किया था, तुम्हें नहीं। और तुम्हारी दादागिरी ना राघव सिंघानिया पे चलती होगी, यहाँ नहीं चलेगी। कौन है बेटा? दादी मैं हूँ, कल्पना। आजा बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम, देखिए साहब, फोन तुमने कमला को किया था ना, आया कौन है? आई घर पर नहीं है, मैंने पहले ही फोन पे कहा था। हाँ खूब समझ रही हूँ, बैठी होगी ना घर पे, इंतजार कर रही होगी कि मैम साहब आएंगी, खुशामद करेंगी, तब मैं उठ के जाऊंगी। नीतू, कुछ समझ में आता है? हाय, वो तेरी बेटी के लिए आई है। पाखी दरवाजा खोलो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
देखो बाहर सब टेंस है, प्लीज ओपन द डोर। सब झूठ है, इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, क्योंकि अगर मुझे कल कुछ हो गया ना तो सबसे पहले पुलिस इन्हें क्वेश्चन करेगी। तुझे पता है मेरा प्रेजेंटेशन कितने चुराया था? नीतू ने जब क्रोकोडाइल के आंसू दिखा रही है मुझे,